please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. धारा की अंबे घाटी नीलाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई और ए के सिकरी समेत एक पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकारी परिस्मिकर से रिसीवर की मदद लेने को कहा और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अंबे घाटी की संपत्ति नीलाम हो जानी चाहिए। हरियाणा में 160 से अधिक रियल एस्टेट डेवलपर को HRI ने नोटिस भेजा। हरियाणा के रेरा कमेटी के कार्यकारी निदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि हरियाणा के 160 से अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स को अंतिम हरियाणा रियल एस्टेट विनियम प्राधिकरण द्वारा अधूरे आवेदनों के लिए या वैध लाइसेंस नहीं होने के लिए नोटिस भेजा गया है। 14 लोगों का पैनल फैसला करेगा दिवालिया करने या ना करने पर दिवालिया कानून। यह कदम कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में कुछ क्वार्टर्स में चिंताओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ आता है, जिसमें प्रमोटर्स को दिवालिया प्रक्रिया के तहत कंपनी का नियंत्रण वापस लेने के लिए संभावना शामिल है। दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के तहत बड़े मामलों के साथ सरकार ने कानून के कार्यान्वयन में आने वाले मुद्दों को हल करने के तरीके की पहचान करने और सुझाव देने के लिए 14 सदस्यों का पैनल स्थापित किया है। DS कुलकर्णी 23 नवंबर को उच्च न्यायालय में पुनः भुगतान करेंगे। DS समूह के संस्थापक अध्यक्ष कुलकर्णी ने संवाददाताओं को बताया कि पुनः भुगतान की एक विस्तृत योजना को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने 23 नवंबर को पेश करेंगे। कुलकर्णी ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप से जूझते हुए सोमवार को कहा कि फर्म निश्चित जमा धारकों को रिटर्न देगा और आश्वस्त है जिन्होंने इसका डिफॉल्ट रूप से आरोप लगाया है। नोएडा RWA ने मुंबई में आयोजित सम्मेलन में की शक्तियों की मांग। रविवार 18 से 19 नवंबर को मुंबई में आयोजित RWA के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में नोएडा RWA फेडरेशन ने ग्राम सभाओं के साथ ही गौतम बुद्ध नगर में नगर पालिका को प्रदूषण के मुद्दे पर RWA के लिए संवैधानिक कानून अधिकारों के मुद्दे को उठाए।